झारखंड में गुरुवार को एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है, जिसके साथ ही कोरोना धनबाद में दस्तक दे चुका है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल कुमार धूबी क्षेत्र का रहने वाला 29 साल का युवक 8 अप्रैल से होम क्वारंटीन है। युवक 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चोरी छुपे वापस लौटा था। यह आसनसोल में किसी एक कंपनी में काम करता था। 8 अप्रैल को पीएमसीएच में युवक की कोरोना स्क्रीनिंग हुई थी। इसी दिन उसका सैंपल लेकर जांच के लिए एमजीएम जमशेदपुर भेजा गया था। युवक की स्वास्थ्य रिपोर्ट आने के बाद से पूरा स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक को रेस्क्यू कर उसके घर की 4 महिलाओं को पीएमसीएच ला चुकी है और यहां सभी को अलग अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने मरीज के मोहल्ले को सील कर दिया है और टीम गठन कर घर घर स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया है। वहीं सील किए गए क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है और अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। धनबाद से न्यूज के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।